मित्र जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का संपूर्ण राशिफल। इस राशिफल में हम जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2020 कैसा रहने वाला है, खास करके व्यापार और धन की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, विद्यार्थी के लिए प्रेम संबंध के लिए दृष्टि से कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। साथ ही हम जानेंगे कि इस माह में आपके लिए कौन कौन से दिन अनुकूल हैं और कौन कौन से दिन ऐसे हैं, तारीखें ऐसी हैं जो आपके लिए प्रतिकूल है, उन दिनों में आपको बचना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को इस संपूर्ण राशिफल में जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे उपाय क्या अपनाने चाहिए आपको। तो इसी वजह से इसका नाम है संपूर्ण राशिफल। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2020 हर तरह से कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, कारोबार में उन्नति के योग इस महीने में आपके लिए बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। माता पिता से संबंध अच्छे होंगे। पारिवारिक कुछ समस्या अगर है तो वो समाप्ति के कगार पे अपने आप पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। माता पिता से, जैसा कि मैंने बताया, आपको संबंध अच्छे बने रहेंगे और परिवारजनों में जो भी हैं उनसे भी संबंध अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। सभी प्रकार की उन्नति के अवसर आपके लिए प्राप्त होने जा रहे हैं। सुख की प्राप्ति भी होगी, लेकिन जो जातक व्यवसायी हैं उनको व्यावसायिक लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ पैसे के लेन देन में धोखा इस महीने में संभव है। आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना घटने वाली है ऐसा आप मान के चलिए और बिल्कुल ही सावधानी रखिए। जहाँ भी पैसे का बात आए, कुछ लेन देन हो, वहाँ पे बिल्कुल ही रखें। यहाँ पे आपको नुकसान क्योंकि उठाना पड़ सकता है। अपने व्यापार को भी किसी के भरोसे इस महीने ना छोड़ें, यहाँ पे भी आपको धोखा हो सकता है। बाकी सब कुछ व्यापार और धन की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस महीने में सुख सुविधा की सामग्री खरीद सकते हैं। जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं वो हैं तो उससे अच्छा, नहीं है तो वो ऐसे खरीदने के योग मिल रहे हैं, बन रहे हैं। जो जातक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनकी खोज अब पूरी हो सकती है। शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। बात करिए व्यापार और धन की, तो व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं। बचत में भी वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा। बैंक बैलेंस और बचत भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस महीने में आप जितना भी मेहनत करेंगे धन प्राप्ति के लिए उतना आपको जरूर मिलेगा। अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है। अगर अपने कहीं निवेश कर रखा है पहले ही, वहां से भी अब धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं व्यापार में, तो यह माह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। माह के मध्य से इसको करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए यह माह पूरा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे सफलता आपको तभी मिलेगी। जो विद्यार्थी शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह माह अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी कंपटीशन की या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना ठीक ठाक रह सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो पूरा का पूरा महीना है उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कुछ पुरानी बीमारी उभर सकते हैं, वापस से आपको परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, साथ ही अनिद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। इस माह में विशेष तौर पर अपने खान पान पर ध्यान रखें। माह के शुरुआत में फरवरी के बीच तक आपको स्वास्थ्य पे विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में आपका स्वास्थ्य क्योंकि खराब हो सकता है। वाहन को चलाते समय भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए इस महीने में। बात करें प्रेम संबंध की, तो संतान सुख प्राप्त होगा, संतान से सुख मिलेगा। परिवार तथा दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना के रखें, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। आपके लिए आइए जानते हैं कौन कौन से दिन हैं ऐसे जो कि शुभ रहने वाले हैं इस महीने में। शुभ दिन रहेगा 1 फरवरी, 3 फरवरी, 16 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। और कौन कौन सा दिन प्रतिकूल रह सकता है, जिन दिनों में आपको बचना चाहिए इस महीने में, वो है 5 फरवरी, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23 और 25 फरवरी। इन दिनों में आपको बचना चाहिए।
अब उपाय क्या क्या अपनाना चाहिए, आपको नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को, जिस समय सूर्य की लालिमा हो रही होती है और सूर्य भगवान गोल से नजर आते हैं आपको, उस समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दें, अर्घ जल जरूर अर्पित करें, और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। मित्रों, अगर आपको हमारा ये आज का राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया में नीचे जय माता दी लिखें। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो और राशिफल के वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।